जो पार्ट है ऐसे कर लो, ये एक्टोडर्म बनाता है, ये मेसोडर्म बनाता है और ये एंडोडर्म बनाता है। अब यहां पर तो लग रहा है कि कोई टिश्यू नहीं है, लेकिन ये ऊपर से अगर देखो तो चारों ओर टिश्यू होगा। तो जो डॉर्सल मोस्ट टिश्यू है या एनिमल पोल टिश्यू है वो तुम्हारा एक्टोडर्म बनाता है, और जो वेंट्रल मोस्ट टिश्यू है ये एंडोडर्म बनाता है, और जो मार्जिनल टिश्यू है वो तुम्हारा मेसोडर्म बनाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनाता है। एक एक्सपेरिमेंट में इन तीनों को काट दो, ठीक है, और इसको हटा दिया। अगर इसको हटा देंगे तो ये प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म हो गया, और इसके ऊपर रख दिया तो ये प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म हो गया। ये प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म है और ये प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म है, नो मेसोडर्म, यही तो है। लेकिन देखा कि जब इसको ग्रो कराया, कल्चर कराया, तो ये टिश्यू, ध्यान देना, जो एक्टोडर्म बना रहा था, जो टिश्यू एक्टोडर्म बना रहा था, वो जब इस एंडोडर्मल टिश्यू के कंटेक्ट में आया तो ये मेसोडर्म। वो एक्टोडर्मल टिश्यू, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल टिश्यू जो एंडोडर्म के कंटेक्ट में था, ये मेसोडर्म में डिफरेंशिएट हो। यहां पे एक बात आई, अगर ऐसा हुआ इट मींस कि इसके ऊपर जो एंडोडर्म है, इसके ऊपर जो भी टिश्यू होगा वो टिश्यू मेसोडर्म में डिफरेंशिएट। पहले ये टिश्यू था, ये मेसोडर्म बना रहा था, इसको मैंने हटा दिया, ये टिश्यू रखा, अब ये मेसोडर्म बन गया। तो यहां से एक कंसेप्ट आया कि ये जो एंडोडर्मल टिश्यू है ये अपने ऊपर के टिश्यू को इंड्यूस करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि ये मेसोडर्म में डिफरेंशिएट, ठीक है। तो द डॉर्सल मोस्ट एंडोडर्मल या पैरिटल हेमिस्फीयर का जो टिश्यू है ये अपने से ऊपर के टिश्यू को इंड्यूस करता है टू बिकम मेसोडर्मल टिश्यू, ठीक है। और क्योंकि इसका ये रिसर्च जो था वो पीटर एन ई आई ई इसको कहा गया न्यूक्रूप सेंटर, न्यूक्रूप सेंटर, ठीक है। ये अपने ऊपर के टिश्यू को इन्फ्लुएंस करता है जो बिकम, तो अब बात आ गई कि ये जो न्यूक्रूप सेंटर है ये न्यूक्रूप सेंटर डॉर्सल लिप बनने को इंड्यूस करता है। तो डॉर्सल लिप से ही मेसोडर्म बन रहा था, डॉर्सल लिप बन रहा था, तो डॉर्सल लिप या ऑर्गेनाइजर जिसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कह रहे थे ये खुद नहीं होता, ये भी किसी के प्रेजेंस में होता, ठीक है। तो हम लोग उसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कह रहे थे या प्राइमरी इंड्यूसर कह रहे थे, वो प्राइमरी इंड्यूस होने के बजाय वो खुद ही इंड्यूस होता है दूसरे के लिए, इसलिए प्राइमरी इंजेक्शन कहना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मजे की बात है, न्यूक्रूप सेंटर से क्या बनता है, नहीं न्यूक्रूप सेंटर से क्या बनता है, एंडोडर्म बनता है। न्यूक्रूप सेंटर का जो टिश्यू है उससे तो न्यूक्रूप सेंटर के टिश्यू से क्या बनता है, एंडोडर्म बनता है।
लेकिन न्यूकुब सेक्टर अपने से डॉर्सल टिश्यू को इन्फ्लुएंस करता है मेसोडर्म बनने के लिए। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे नेट में आ चुका है, न्यूकुब सेक्टर और डॉर्सल के टिश्यू से क्या क्या बनता है, ठीक है। तो न्यूकुब सेक्टर से क्या बनता है और तुम्हारा डॉर्सल से क्या बनता है, डॉर्सल से मेसोडर्म बनता है और न्यूकुब सेक्टर से क्या बनता है, एंडोडर्म बनता है। लेकिन न्यूकुब सेंटर अपने से डॉर्सल सेल को मेसोडर्म बनने के लिए इंड्यूस करता है, ठीक है। कैसे क्लियर हो गया, न्यूकुब सेंटर से मेसोडर्म बनता है लेकिन, अच्छा न्यूकुब सेंटर जो है एक बात ध्यान रखना, ये टोटल न्यूकुब सेंटर नहीं है, ये टोटल न्यूकुब सेंटर नहीं है, डॉर्सल मोस्ट, देखिए डॉर्सल बार बार कह रहे थे, डॉर्सल मोस्ट वेसाइटल टिश्यू इज न्यूकुब सेंटर, यहां पे ये न्यूकुब सेंटर। इसके बाद एक्सपेरिमेंट आया, जो एक्सपेरिमेंट जो मैंगोल्ड का था उस एक्सपेरिमेंट को आगे रिपीट किया गया। मैंगोल्ड ने कैस्कुलेटिंग टिश्यू या वो टिश्यू जो कैस्कुलेशन के स्टेज में कैस्कुलेटिंग टिश्यू में डॉर्सल लिप को ट्रांसप्लांट किया था, मैंगोल्ड ने डॉर्सल लिप के टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया था, याद है। इसने क्या किया, ये तुम्हारा ब्लास्टुलर है, इसके पहले जब ये ऑलमोस्ट मॉर्बुला का स्टेज समझो, ठीक है, या एकदम अर्ली ब्लास्टुला का स्टेज, तो जो इवन एट 16 सेल स्टेज तक जो डॉर्सल मोस्ट वेजाइटल सेल था, याद है इस पे क्वेश्चन आ चुका है, नहीं आया तो आई यानी इस पे आ चुका है, इस पे आ चुका है, बन चुका है, जो डॉर्सल मोस्ट वेसाइटल टिश्यू सेल था 16 सेल स्टेज पे, डॉर्सल मोस्ट वेसाइटल सेल इसको यहां से इसने उठाया और यहां पे ग्राफ्ट कर दिया, डॉर्सल लिप को नहीं ग्राफ्ट किया, डॉर्सल लिप को नहीं ग्राफ्ट किया, क्या ग्राफ्ट किया, 16 सेल स्टेज पे जो प्रोस्पेक्टिव न्यूकुब सेल डॉर्सल मोस्ट वेसाइकल सेल उसको यहां पे ग्राफ कर दिया, डॉर्सल लिप नहीं ग्राफ किया, सेल ग्राफ किया, वो भी अर्ली स्टेज का डॉर्सल मोस्ट वेसाइकल सेल, मैंगोल्ड डॉर्सल लिप ये सेल को ग्राफ कर रही है, इसने इसको ग्राफ किया, ठीक है। इसको जब ग्राफ किया तो यहां पे डॉर्सल लिप का यहां पे कहीं यहां पर भी डॉर्सल लिप का फॉर्मेशन हो गया और इन फ्यूचर एक कंसनेटर दो कैस्कुलेशन दो ब्लास्टोफोर का फॉर्मेशन हुआ केवल न्यूकुब सेंटर के ट्रांसप्लांट करने से, दो ब्लास्टोफोर दो कैस्कुलेशन कंसनेटर ट्विन, ठीक है। तब बात आई कि ब्लास्टोफोर इस वाले डॉर्सल लिप इटसेल्फ नहीं बनता है, ये न्यूकुब सेंटर के प्रेजेंस में बनता है। अगर इस न्यूकुब सेंटर के सेल को इसको इरेडिएट कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दो तो वहां पर नॉर्मल कैस्कुलेशन भी नहीं, ठीक है। तब बाद में आ गए बात में बात आई कि ये पीटर न्यूकुब के बाद ये न्यूकुब सेंटर ही वो सेंटर है जो अपने से ऊपर के सेल को डॉर्सल लिप बनने के लिए या ऑर्गेनाइजर बनने के लिए इंड्यूस करता है। अब कैसे इंड्यूस करता है, तो इंडक्शन के लिए कोई ना कोई केमिकल यूज होता होगा और ये क्या है, ये केमिकल है बीटा कैरोटीन, ये भी देखिए ये दो अलग अलग डायग्राम अलग अलग करना देखेंगे जो बताया अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये सब तुम्हारे टेक्स्ट में है, केवल हमने इसके लिए सामने तुम्हारा रेफरेंस के लिए ये सब तुम्हारे टेक्स्ट से कॉपी किया हुआ कहीं से। यहाँ पे बीटा कैटेनिन वो फैक्टर है
जिस सतह से ये न्यूक्लियस सेंटर अपने ऊपर के सेल्स में इंजेक्शन करता है डॉर्सली फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे ये जो करता है वो बीटा कैटेनिन अपने ऊपर इन सेल्स में ज़ेब्रा जीनोपस ब्रैक्यूरियली यहाँ से शब्द आया एक्स और ये ब्रा ज़ेब्रा, ठीक है। तो ये ज़ेब्रा जीन इंड्यूस होता है कहाँ पे? ज़ेब्रा जीन कहाँ पे एक्टिव होगा? मेसोडर्म में, दैट इज डॉर्सल लेयर में या ऑर्गेनाइजर टिश्यू में। जो ऑर्गेनाइजर टिश्यू होगा या डॉर्सल टिश्यू होगा उसमें ज़ेब्रा जीन एक्टिव होगा। किसके प्रेजेंस में? बीटा कैटेनिन जो कि नीचे से न्यूक्लियस सेंटर से रिलीज होगा। तो यहाँ पे बात आ गई कि जो न्यूक्लियस सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल है बीटा कैटेनिन रिलीज करने के लिए, और इस न्यूक्लियस सेंटर के बीटा कैटेनिन के प्रेजेंस में जो डॉर्सल लिप के सेल्स है उसमें ज़ेब्रा जीन एक्टिव होगा, और वंस ज़ेब्रा जीन एक्टिव होगा तब उसका फेट जो है वो तो अगर इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बीटा कैटेनिन तो कहीं पर भी मेसोडर्मल इंडक्शन हो सकता है या डॉर्सल लिप का इंडक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीटा कैटेनिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आकर के स्टेबलाइज हो जाता है, ये हम लोगों को नेक्स्ट बताते हैं।